सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिण रेंज एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम ने नफीस काला गैंग के शार्प शूटर व 1,00,000 के इनामी वांटेड 38 वर्षीय अजमल पहाड़ी को बदरपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। शार्प शूटर बदरपुर में खड्डा कॉलोनी जैतपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार बदमाश इतना खतरनाक था कि हमेशा अपने साथ हथियार रखता था। खतरा महसूस होने पर यह आम आदमी हो या पुलिस टीम किसी पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता था। गिरफ्तार शार्पशूटर अजमल यूपी के बिजनौर के नजीबाबाद के एक कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड व वर्ष 2020 अक्टूबर माह में लाडो सराय इलाके में स्पेशल सेल की टीम पर गोली चलाने के मामले में फरार था। गिरफ्तार शार्पशूटर अजमल पहाड़ी के खिलाफ पिछले 10 वर्षों के दौरान मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटर्शन, थ्रेट, असाल्ट, चोट, ट्रेसपास, चोरी, कॉन्स्पिरेसी, आर्म्स एक्ट आदि सहित दिल्ली और यूपी के कई थानों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। आरोपी के कब्जे से .32 बोर की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस व एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जसमीत सिंह डीसीपी स्पेशल सेल की सुपरविजन व अत्तर सिंह एसीपी स्पेशल सेल दक्षिण रेंज के नेतृत्व में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम पिछले काफी समय से भगोड़े गैंगस्टर अजमल पहाड़ी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। टीम ने वांटेड अजमल के साथियों और ठिकानों के आसपास मुखबिरों को एक्टिव कर रखा था, लेकिन गैंगस्टर अजमल पहाड़ी इतना शातिर था कि अपने पास मोबाइल फोन रखना बंद कर दिया था। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून वांटेड व फरार गैंगस्टर अजमल पहाड़ी को हर हाल में दबोचना चाहते थे। अजमल पहाड़ी बदरपुर में खड्डा कॉलोनी जैतपुर का रहने वाला था। इंस्पेक्टर शिव कुमार हून को पूरा भरोसा था कि वांटेड आरोपी अपने परिवार से एक न एक दिन मिलने जरूर आएगा, इसलिए इंस्पेक्टर शिव कुमार हून ने आरोपी के घर के पास भी साइलेंट मुखबिरों का जाल बिछा रखा था। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद टीम के हाथ सफलता लग ही गई। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून को मुखबिर से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि दिनांक 24 जून 2022 की शाम 5 से 6 बजे के बीच अजमल पहाड़ी सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास अपने किसी साथी से मिलने के लिए अपनी स्प्लेंडर बाइक से पुल प्रहलादपुर की ओर से आएगा। गैंगस्टर अजमल पहाड़ी को दबोचने के लिए एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम ने पुल प्रहलादपुर से सरिता विहार जाने वाले फ्लाईओवर के ऊपर जाल बिछाया। शाम करीब 5:50 के आसपास गैंगस्टर अजमल को एक स्प्लेंडर बाइक पर पुल प्रहलादपुर की तरफ से फ्लाईओवर चढ़ते देखा गया। फ्लाईओवर पर चढ़ते ही टीम के सदस्यों ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन अजमल ने रुकने की बजाय अपनी बाइक गिरा दी और पिस्टल निकालकर टीम के सदस्यों की ओर एक एक करके 4 राउंड फायर कर दिए। एक गोली एसआई अनिल को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने वजह से हुए बचाव हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 3 राउंड गोलियां चलाई, जिससे एक गोली अजमल के पैर में लगी। उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। 38 वर्षीय मोहम्मद अजमल पहाड़ी पुत्र मोहम्मद असलम दक्षिण पूर्वी दिल्ली इलाके के बदरपुर में खड्डा कॉलोनी जैतपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार अजमल पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली और यूपी में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटर्शन, थ्रेट, असाल्ट, चोट, ट्रेसपास, चोरी, कॉन्स्पिरेसी, आर्म्स एक्ट आदि सहित एक दर्जन आपराधिक मामलों में शामिल है। वर्ष 2012 में इसने रंगदारी देने से इनकार करने पर बिजनौर में शमशाद नाम के एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी। 15 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के लाडो सराय इलाके में मुठभेड़ के बाद अजमल पहाड़ी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल की टीम के सदस्यों पर गोली चलाने के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी अजमल पहाड़ी फरार हो गया था। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। हाल ही में दिनांक 30 मार्च 2022 को थाना नजीबाबाद में गैंगस्टर अजमल के खिलाफ बिजनौर यूपी एक व्यवसायी से रंगदारी का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के अलावा यूपी में आरोपी अजमल पहाड़ी के खिलाफ रंगदारी की कई एफआईआर पहले ही दर्ज हैं। अजमल उर्फ गैंगस्टर नफीस काला गैंग का शार्प शूटर है। धमकाकर रंगदारी मांगने के मामले में यूपी पुलिस ने अजमल पर 1,00,000 का इनाम रखा था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस, और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर,
तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या। कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।